अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आइए रुख करते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की ओर। हमास के तोपची के बाद इसराइल ने लेबनान में ढेर किया हिजबुल्ला कमांडर, गाजा में हमले में 30 की मौत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर गिरी गाज। देश से कोविड अभी गया नहीं, 9 नए मामले सामने आए। 26 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान होगा शुरू। गहलोत ने कहा ईडी की छापेमारी राजस्थान में बीजेपी की हार का सबूत। अब खबरें विस्तार से। इजरायली सेना ने बताया कि उसने सोमवार को हिजबुल्ला के दो ठिकानों पर हमला किया। इन ठिकानों से हिजबुल्ला के आतंकी इजरायल पर एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट लॉन्च करने की साजिश रच रहे थे। इजरायल ने सोमवार को गाजा में कई ठिकानों पर हमला किया। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में 30 लोग मारे गए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर सिफर मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने देश के गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने से जुड़े सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सोमवार को दोषी करार दिया। इमरान को पिछले साल मार्च में वॉशिंगटन में पाकिस्तान के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल सिफर को लीक करके आधारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद इस वर्ष अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए, जबकि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 245 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को दिल्ली के सभी पार्षदों के साथ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के तहत 12 खंबा रोड के ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन चालकों को जागरूक किया। रेड लाइट ऑन होने पर उन्होंने लोगों से अपने वाहन बंद करके वाहन प्रदूषण को कम करने में योगदान करने की अपील की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में लगातार हो रहे ईडी की रेड इस बात का सबूत है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। राजस्थान की जनता का विश्वास जीतने में असमर्थ बीजेपी कांग्रेस को परेशान करने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।